गुड मॉर्निंग अबी रबान आज हमारी होमवर्क से थर्टी फोर है सब्जेक्ट इंग्लिश है क्लास एल के जी इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यूज ऑफ ए एंड एन इसमें क्या है ए और एन का प्रयोग करेंगे जैसे हमारा दो पिक्चर है ये बना है कैट बना हुआ है और चिट्टी बनी हुई है तो इसमें क्या है इसमें कैट को कैसे बोलेंगे ए कैट एन आंट तो इसका मतलब कैसे कैसे बोल सकते हैं जैसे हमारे वोवल्स होते हैं जो स्वर्ग होते हैं आ से आह तक के होते हैं उसको हम स्वर्ग बोलते हैं का से ज्ञा तक बोलते हैं व्यंजन तो उसमें से हम कैसे करते हैं जैसे एक कैट कैट किस में आता है व्यंजन में आता है कैट का मतलब का व्यंजन में आता है तो हम इसको जो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंस होते हैं जो व्यंजन इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं हिंदी में व्यंजन बोलते हैं तो का है तो ये हमारा क्या है ये कॉन्सोनेंस व्यंजन हो गया है तो इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे जो कॉन्सोनेंस होगा उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं और जो स्वर हो गए होंगे उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे तो ये एन आंट ये हमारा एन आंट हो गया कि ये उसमें स्वर में आ रहा है तो इसमें हम एन लगाएंगे अगर स्वर में कोई आ रहा है तो उसमें एन लगाएं तो इसमें क्या है आंट ये हमारा स्वर में आ रहा है आंट तो इसको हम एन लगाएंगे इसी तरह से ये करना है और जैसे ए लॉयन किस में आ रहा है कॉन्सोनेंस कि ला ला है तो हम इसको कौनसोन में कॉन्सोनेंस में लाएंगे और एन एलिफेंट ये हमारा स्वर्ग में आ रहा कि ई है एन ए ए स्वर्ग में आता है ए आई होता है तो उसको हम स्वर्ग में ए बोलते तो उसमें हम ये हमारा स्वर में आता है इसी तरह से एन का ए का और एन का प्रयोग करेंगे इसी तरह से कॉन्सोनस हमारे कितने होते हैं वोवल्स जानते हो कितने होते हैं ए ई आई ओ यू ये हमारे वोवल्स हो गए हैं और बाकी जो अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनस हो गए हैं तो इसी में हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो इसी तरह से करना है एन बनाना एन औरज एन ए ए बैलून एन अम्ब्रेला एन ये हमारा कॉन्सनेंस हो गया है ये स्वर्ग हो गया है सॉरी बोबल्स हो गया है ए uh, टमाटो ये हमारा कॉन्सनेंस हो गया है ए ऑनियन ये हमारा वोबल्स हो गया है बोबल्स में आ गया है ए हैंड ये हमारा कॉन्सनेंस में आ गया एन आइस ये हमारा बोबल्स में आ गया ए का ये हमारा कॉन्सोनेंस आ गया एन ओक्स ये हमारा बोबल्स में आ गया ए पेन ये हमारा कॉन्सोनेंस पे पाता है जैसे हम का खा खा कर पढ़ते हैं उसमें पा आता है तो हमारा ये कॉन्सोनेंस हो गया है एंड इम्पार्ट हो गया इस तरह से ये हमारा हमने इसमें से आंसर दोनों ही लिखे हैं तो इसमें आपको समझाने के लिए मैंने बताया है अब आप इधर पीछे जो फिल करना है जैसे दो क्वेश्चन नंबर टू फिल इन ब्लैंक्स विद ए और एन इसमें ए और एन का प्रयोग करना है तो ये हमारा कॉन्सोनेंस है ये क्या है कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस में क्या करेंगे ए बॉय तो बॉय किस में आ रहा है हमारा कॉन्सोने बी आ रहा है बा आ रहा है तो ये हमारा कॉन्सोनेंस हो गया है ये इस तरह से करना है ये फिल करना है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट टू राइट ट्वेंटी टू वन बैक काउंटिंग ट्वेंटी से लेके वन तक वैग काउंटिंग लिखा है उसको देख देख कर लिखना है और याद करना है कैसे ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन फोटीन थर्टीन ट्वेल्व अलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इस तरह से याद भी करना है और लिखना है थैंक यू